ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना। अंदर बाहर से शांत रहना। हम मुख का मौन तो रख लेते हैं, मुख की शांति रख लेते हैं, पर अंदर के संकल्पों में शांत रहें। अंदर उठने वाले संकल्प वो व्यर्थ नहीं होने चाहिए। अगर वो व्यर्थ की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, तो वो शांति नहीं है। शांति अंदर से फिर बाहर से। माना कि कोई सिचुएशन आती है, कोई बात हो जाती है, पर हमारे पास श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है, उसका इस्तेमाल कब करेंगे? जब तक आप उसका रूप नहीं बदलेंगे योग अग्नि से। अब हम योग लगाते हैं, दैवी गुणों की धारणा करते हैं, और दैवी गुण क्या सिखाते हैं कि जो बाहर का वातावरण है वो अंदर नहीं जाना चाहिए। बाहर में कोई किसी भी स्वरूप से कोई बात कहे, आप तक जब कोई बात आए उसका रूप बदल दो। जैसे अग्नि में कोई भी चीज पकाई जाती है तो उसका रूप और स्वरूप सब बदल जाता है। आप दूध को गर्म करो, थोड़ी देर गर्म करो, सिर्फ गर्म करो, उबाला दिलाओ, तो वो दूध ही रहता है, पर वो पक जाता है। अब उसे और गर्म करते जाओ, और गर्म करते जाओ, और गर्म करते जाओ, वो खोया बन जाता है, मावा बन जाता है, उसके अंदर और दूसरे गुण आ जाते हैं। तो हमारे सामने भी कई सिचुएशंस आती है। आप अंदर किस तरह से उसे पकाओगे? उसका रूप ऐसे ही रखोगे जैसे था, तो आप अंदर से खराब होते जाओगे। अगर उसे योग अग्नि में पकाओगे तो उसका स्वरूप बहुत अच्छा बन के निकल के आएगा, और उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। जो दूध की कीमत है और जो खोया या मावा की कीमत है, उसमें बहुत अंतर है। और उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है और उसकी क्वांटिटी कम होते होते बहुत ही कम हो जाती है। तो जो बातें हैं, बाहर बहुत विस्तार है, अंदर शांति चाहिए, तो उन बातों का स्वरूप बदलना पड़ता है। जब तक उसका स्वरूप नहीं बदलोगे तब तक शांति नहीं आएगी, वो भी अंदर। और जब तक अंदर नहीं आएगी तो बाहर से मीठे नहीं रह सकते। हम कहते हैं हमारे अंदर किसी के लिए ऊपर नीचे ऐसे कोई भाव नहीं है, लेकिन अगर स्वरूप नहीं बदला है तो भाव आज नहीं तो कल प्रकट हो ही जाते हैं। पर अगर ये लक्ष्य आपने रखा है कि हमें कम बोलना है, मीठा बोलना है, तो प्रयास भी आपको ही करना पड़ेगा, तो मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी। इसलिए सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना। पर कैसे शांत रहना, इस पर जरूर विचार करना। सच की शांति में रहना है या सिर्फ मुख से चुप रहकर अंदर बहुत सारे तूफान चलाने हैं, तो ये कोई दैवी गुण नहीं है, और ना ही ये शांत होना है। ये टेम्परेरी आप एक दिन के लिए, दो दिन के लिए कर पाओगे, तीसरे या चौथे दिन आपका मनोबल कमजोर पड़ेगा, आपकी सहन शक्ति कमजोर पड़ जाएगी, और आप थोड़े ही दिनों के अंदर उसी बात को लेकर जरूर कुछ ना कुछ करोगे, जब तक आपने स्वरूप नहीं बदला है। तो शांत रहना है, अधिक आवाज में ना आना। चेक करो कि कहीं अधिक आवाज में आ तो नहीं रहे हैं, कई बार पता नहीं चलता है। अब अधिक आवाज मुख की भी और मन की भी, दोनों आवाजों पर कंट्रोल करना है ना। तो अगर मन में संकल्पों का तूफान है तो आवाज में है, और मुख वाचा का इस्तेमाल कर रहा है तो भी आवाज में है। पर हमें जाना तो इससे पार है, जहां पर आवाज ही नहीं है। अभी हम टॉकी में हैं, फिर हम मूवी जाएंगे, माना सूक्ष्म वतन, फिर सूक्ष्म वतन से हम मूल वतन। वो मूल वतन जहां पर साइलेंस ही साइलेंस है। तो टॉकी से मूवी एंड मूवी से साइलेंस, ये प्रोसेस है। तो अगर हम टॉकी से मूवी, माना शांत मन बुद्धि से शांत नहीं हुए, तो मूवी भी कैसे में जाएंगे, सूक्ष्म वतन में भी कैसे पहुंचेंगे?
और फिर सूक्ष्म वतन में पहुंच के अंदर का मन जब शांत हो जाएगा तभी उसके बाद मूल वतन में पहुंचेंगे। इसलिए टॉकी से मूवी, मन अंदर शांत, मन शांत, फिर उसके बाद मूल वतन। टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज में ना आओ, ना मन की ना मुख की। ओम शांति।